नमस्कार, डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है और फाइल क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास फील्ड क्या होती है। फील्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं या काम करते हैं तो हमारे पास फील्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि फील्ड के बिना हम काम नहीं कर सकते। तो फील्ड हमारा होता है सेट ऑफ करेक्टर, मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी हम डेटा एलिमेंट को जब हम क्या करते हैं, कहीं पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसे हम फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ पे जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमारा फील्ड होता है, जहाँ पे हम खेलते हैं वो हमारा क्या होते है? फील्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है जब कोई भी हम डेटा को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड हमारा रिकॉर्ड होता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा जो हम क्या कर रहे हैं एक फील्ड में क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी हमारे पास बैट्समैन जाता है क्या करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम एक कॉपी या पेन में हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिंगुलर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब किसी भी प्रकार का हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब एक फाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब वो हमारा क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले, हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।